नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जून और यहाँ पे जैसे 21 जून लिखा हुआ है, ये 22 जून ही है। 21 और 22 दोनों दिन का आज का डीएनए है, तो 21 और 22 दोनों डीएनए है, ठीक है। 21 जून का भी और 22 जून का भी, क्योंकि कल डीएनए शायद नहीं बन पाया था वीडियो इसका। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ डीएनए पे, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से मैं कहीं चला गया था। तो आज से आप लोगों को वीडियो डेली मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस। भारत में योगाभ्यास की परंपरा तकरीबन 5000 साल पुरानी है। योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2020 को दुनिया भर में छठा इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया था। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। योग मुख्यतः संस्कृत का शब्द है। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई थी। ऋग्वेद में योगा की व्याख्या करते हुए यह बताया गया है कि वह शक्ति जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक सूत्र में पिरो सकते हैं वह योग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 21 जून को क्यों मनाया जाता है योग दिवस। 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाने के पीछे कारण यह है कि यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य ज़्यादा समय तक रहा है। उत्तरी गोलार्ध पर आमतौर पर 20, 21 और 22 जून को सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध पर 21, 22 और 23 दिसंबर को सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। इस तारीख के बाद दिन छोटे होने लगते हैं और गोलार्ध दक्षिण की ओर चले जाने लगता है, जिसे भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है। सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के प्रवेश होने के कारण इसी दिन योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन भी होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या योगा डे, विश्व योग दिवस, और क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, विश्व स्किल सेल दिवस, वर्ल्ड स्किल सेल डे के बारे में हम बात करते हैं कि विश्व स्किल सेल दिवस क्या है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व स्किल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व स्किल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस स्किल सेल रोग, इसके उपचार के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर में इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। प्रथम विश्व स्किल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं वेबिनार आयोजन। स्किल सेल दिवस के अवसर पर जनजाति कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर्स, फिक्की, अपोलो हॉस्पिटल, नोवार्टिस और ग्लोबल अलायंस ऑफ स्किल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नेशनल स्किल सेल कॉन्क्लेव नामक वेबिनार का आयोजन किया गया था। ग्लोबल अलायंस ऑफ स्किल सेल डिजीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 10 जनवरी 2020 को एमस्टरडम नीदरलैंड में की गई थी। यह विश्व में स्किल सेल रोग से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित पहली इकाई है। विश्व स्किल सेल दिवस 2020 के अवसर पर पीरामल फाउंडेशन द्वारा तैयार स्किल सेल सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU तथा नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार स्टेपिंग आउट ऑफ द शैडोज कंबैटिंग स्किल सेल डिजीज इन इंडिया, स्टेपिंग आउट ऑफ द शैडोज कंबैटिंग स्किल सेल डिजीज इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। जहाँ हिंदी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आप लोग इंग्लिश देख लिया करिए। अब हम बात करते हैं कि स्किल सेल रोग आखिर है क्या। स्किल सेल रोग या स्किल सेल एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है, जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र स्किल जैसा होता है। ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं।
जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। यह असामान्य आकार आरबीसी के जीवन काल को भी कम करता है तथा एनीमिया का कारण बनता है, जिसे स्किल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में स्किल सेल रोग आखिर है क्या। भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा और उत्तरी तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी पहाड़ियों में क्षेत्रों में व्याप्त है। उड़ीसा में यह रोग आदिवासी समुदायों में अधिक प्रचलित है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संबलपुर जिले के बुरला में स्थित वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के परिसर में अपना पहला स्किल सेल संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा संस्थान ने पश्चिमी उड़ीसा के 12 जिलों में स्किल सेल इकाइयां भी स्थापित की हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 1,13,83,664 लोगों की स्क्रीनिंग में से लगभग 9,96,368 8.75% में यह व्याधि परिलक्षित हुई और 9,49,057 लोगों में से लक्षण और 47,311 लोगों में बीमारी पाई गई है। भारत में यह बीमारी जनजाति समूहों से अधिक व्याप्त है और प्रत्येक 26 बच्चों में से एक बच्चे में यह बीमारी पाई जाती है। ये डेटा है, देख लीजिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं कि एसिडी आखिर है क्या। एसिडी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार के क्या प्रयास हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस रोग के इलाज का अनुसंधान कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राज्यों में कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों में विशिष्ट रोग सहित 4D अर्थात चार प्रकार की बीमारियों, जिसमें जन्म दोष है, बाल्यावस्था की बीमारी है, कमियां हैं और विकासात्मक विलंब और अशक्तता है, की शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करना है के तहत स्किल सेल एनीमिया को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2016 में थैलेसीमिया और स्किल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के बेहतर भविष्य, उनकी देखभाल में सुधार तथा जांच एवं जागरूकता रणनीतियों के माध्यम से हीमोग्लोबिन रुग्णता के प्रसारण को कम करने के लिए भारत में हीमोग्लोबिन रुग्णता की रोकथाम और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिन पैथिस इन इंडिया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2018 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में हीमोग्लोबिन रुग्णता, थैलेसीमिया, स्किल सेल रोग और भिन्न हीमोग्लोबिन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मसौदा जारी की थी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार सभी रक्त बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उन रोगियों के लिए निःशुल्क रक्त घटक उपलब्ध कराएँ जिन्हें स्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों के लिए जीवन रक्षक उपायों के रूप में आवर्ती रक्त आधान की आवश्यकता होती है। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गया है लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है आप लोगों को। पढ़िए आराम से सब चीज़ों को। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। वैश्विक जनसंख्या का अनुमानित 5% हीमोग्लोबिन विकार विशेष रूप से स्किल सेल रोग तथा थैलेसीमिया के जीन का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन विकार वंशानुगत रक्त विकार है जो समानता माता और पिता, आमतौर पर स्वस्थ माता पिता दोनों से हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की आनुवंशिकता के कारण होता है। प्रत्येक वर्ष 300,000 से अधिक बच्चे गंभीर हीमोग्लोबिन विकारों के साथ जन्म लेते हैं। स्किल सेल एनीमिया वंशानुगत है न कि संक्रामक है, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा आप लोग। अफ्रीका और एशिया में यह सबसे सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। सत्यभामा अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल तो देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। इस पोर्टल का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन माइंस एंड इंफॉर्मेटिक डिवीजन के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किया गया है। सत्यभामा को नीति आयोग के पोर्टल जनजीव दर्पण के साथ भी एकीकृत किया गया जा रहा है। वर्तमान प्रणाली के विपरीत जहाँ खनन कार्यों से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वहीं सत्यभामा पोर्टल खनन परियोजनाओं की निगरानी एवं अनुदान के उपयोग के साथ परियोजनाओं प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाया जाएगा।
इस पोर्टल में शोधकर्ताओं इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर एक यूजर मैनुअल भी उपलब्ध है, जहां खनन परियोजनाओं प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए कदमवार प्रक्रियाओं को रेखांकित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एनजीओ दर्पण पोर्टल क्या है। एनजीओ दर्पण पोर्टल की शुरुआत पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा की गई थी, जिसे 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। पहले ही पढ़ा चुका हूँ नीति आयोग के बारे में आपने। नीति आयोग इस पोर्टल पर साइन अप करने के लिए सभी स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित करता है। यह पोर्टल स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को स्पष्ट तरीके से नामांकन करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा क्षेत्र और राज्यों के बारे में सूचना संग्रह की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल का उद्देश्य बात करते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। यह पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में संस्थानों को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग, खनिज संसाधनों के उचित उपयोग तथा संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पोर्टल के लाभ हम बात करते हैं। सत्यभामा पोर्टल शोधकर्ताओं को अपनी रिपोर्ट प्रगति और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। इससे पहले यह प्रगति या अंतिम तकनीकी रिपोर्ट केवल भौतिक रूप से शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जा सकती थी। परियोजना के प्रस्ताव भी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नियमित निगरानी के माध्यम से पोर्टल का उपयोग अधिकारियों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान धन के प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। कानून का शासक सूचकांक, शासन सूचकांक। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 2020 कानून का शासन सूचकांक के संदर्भ में वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में भारत के सूचकांक में निम्न स्थिति पर केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञों की समितियां गठित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने यह कहा है कि संबंध में उचित कार्रवाई के लिए वह सरकार को प्रतिवेदन दे सकते हैं एवं सरकार कानून का शासन वाले देशों के सूचकांक में भारत के स्थान में सुधार के लिए आज से 6 महीने के भीतर समितियां गठित करने का निर्णय कर सकती हैं। अब हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। भारत की कानून की सूचकांक में भारत के स्थान में सुधार के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसके लिए इसमें केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विशेषज्ञों की समितियों के गठन की मांग की गई थी। इसके साथ ही इस याचिका में विधि आयोग को इस सूचकांक में शामिल शीर्ष 20 देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के उपायों के बारे में सुझाव देने की भी मांग की गई थी। अब बात करते हैं क्या है कानून का शासन सूचकांक। कानून का शासन सूचकांक प्रतिवर्ष एक स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें किसी देश की रैंकिंग का आधार उस देश की शासकीय खुलापन, मौलिक अधिकार, दीवानी और फौजदारी, न्याय व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने जैसे कई बिंदुओं के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कानून का शासन सूचकांक 2020 क्या है। 128 देशों की सूची में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे और फिनलैंड को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत को 69वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है और इस सूचकांक में सबसे निम्न स्थित वेनेजुएला की रही है और 128वां स्थान पर रहा है वेनेजुएला। इसके अलावा कंबोडिया को इस सूची में 127वें स्थान पर रहा है, स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा डीएनए। तो पहला टॉपिक जो मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय योगा और विश्व योग दिवस, कई बार इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। सारा डिटेल इसका फैक्चुअल डेटा सब दे दिया गया है कि संस्कृत है, क्यों है, कैसे क्या है, किससे लिया गया है। विश्व स्किल सेल दिवस के बारे में भी मैंने बताया, वेबिनार आयोजन के बारे में बताया गया, स्किल सेल रोग के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, भारत में स्किल सेल रोग के बारे में बताया, स्किल सेल रोग के रोकथाम और प्रबंधन हेतु भारत सरकार के क्या प्रयास है ये बताया गया आप लोगों को, कुछ महत्वपूर्ण उसके बारे में फैक्ट था वो बता दिया गया, सत्यभामा क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा मंत्री है, आज कुछ कमेंट में पूछूंगा नहीं आप लोगों से, मंत्री का नाम दे दिया गया है, बता दिया गया क्यों यूज किया जा रहा है, किस लिए लाया गया है। एनजीओ दर्पण पोर्टल के बारे में बता दिया गया है। कोई भी पोर्टल हो उसको जरूर आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेपर में हमेशा पोर्टल आते हैं। पोर्टल का उद्देश्य क्या है, पोर्टल के क्या लाभ हैं, उसके बाद बताया कानून का शासन सूचकांक क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या कहता है कानून का शासन सूचकांक, कानून का शासन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सब आप लोग को बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को डीएनए समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा बताने लायक इसमें नहीं था, इसलिए मैंने जैसे था वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को।
ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है ऊपर, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शाम को मिलता हूँ 8:30 बजे आप लोगों से DNA के टेस्ट के लिए। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।